दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हैं भागड़ प्रदेश के सुप्रसिद्ध जिले बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की आन बान शान कहे जाने वाले कल्पवृक्ष के बहुत ही मोक्ष दाहिनी धाम पर, कल्पवृक्ष जिसमें भगवान शिव का साक्षात वास रहता है ऐसा कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले की आन बान शान और यहाँ तक कि राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर इन कल्पवृक्षों का जिक्र होता है। बांसवाड़ा जिले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं कल्पवृक्ष के ये 2 महान वृक्ष जो पिछले 1000 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। कल्पवृक्ष की एक विशेषता यह भी होती है कि इसके अंदर भगवान शिव का एक वास होता है और भगवान शिव के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही कल्पवृक्ष फूलते हैं फलते हैं। कल्पवृक्ष की विशेषता यह है कि यहाँ पर आकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को अगर कोई सच्चे दिल से यहाँ पर अपनी मनोकामना इन कल्पवृक्ष के सामने रखता है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जब वे यहाँ पर बांसवाड़ा पर आए थे और बांसवाड़ा यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर महारावल के पास में आकर इन कल्पवृक्षों का जिक्र किया था और वे स्वयं यहाँ पर इन कल्पवृक्षों को देखने के लिए आए थे। तो कल्पवृक्ष की महिमा का गुणगान कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। साथ ही यह कल्पवृक्ष एक जोड़ी के रूप में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कल्पवृक्ष पीछे है और एक कल्पवृक्ष मेरे ठीक सामने की ओर है। यह एक जोड़े के रूप में यहाँ पर स्थित है और इस जोड़े को नर्मदा के रूप में या पति पत्नी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और एक यह कल्पवृक्ष पूरे राजस्थान में एक ऐसा कल्पवृक्ष है जो एक जोड़े के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और कल्पवृक्ष के यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर महिलाएं आती हैं और व्रत करती हैं और यहाँ का धार्मिक के साथ साथ एक बड़ा ही बेहद रमणीय स्थान भी माना जाता है। कल्पवृक्ष एक ऐसा महान वृक्ष माना जाता है जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में तथा धार्मिक शास्त्रों में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।